मंचूरियन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लेंगे बाउल। इसमें अब हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के बाद हम लेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, अब हम ऐड करेंगे 3 चम्मच मैदा। हमने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा ऐड किया, अगर जरूरत होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करूंगी। अब नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। हम थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी, आप तीखा अपने अनुसार करें, आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप एक चम्मच भी लाल मिर्च ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप अपने हाथ का भी यूज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिसमें हमें अपने मंचूरियन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम अपने तेल को गर्म होने देंगे, तब तक हम मंचूरियन के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। हमने अपने मंचूरियंस के बॉल रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए हमने 1 प्लेट में 2 चम्मच मैदा लिया है। अब हम अपने मंचूरियन को मैदे में इस तरह से अच्छे से गोल गोल कर लेना है, देखिए। इसी तरह हमें सारे मंचूरियन को कर लेना है। इसी तरह हमें सारे मंचूरियन को कर लेने हैं अपने मैदे में अच्छे से डिप। हमने अपने सारे मंचूरियन में मैदा अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मुझे इसे डीप फ्राई करने में हमें इसे मीडियम आंच पे ही डीप फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। हमने अपने मंचूरियन बॉल्स को अच्छी तरह से तल लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। देखिए ये कितना अच्छा ब्राउन हो चुका है। हमने बचे हुए मंचूरियन को भी डाल देंगे, देखिए इसे भी हमें तल लेना अच्छी तरह से। इसे भी हमें अच्छी तरह से तल लेना डीप फ्राई करके। हमने अपने फ्लेम को मीडियम ही अभी रखा है। हमारा बाकी का बचा हुआ मंचूरियन भी देखिए डीप फ्राई हो चुका है, हमने इसे अच्छी तरह से तल लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा मंचूरियन बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं या फिर ग्रेवी में भी डाल के खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं इसकी ग्रेवी की रेसिपी। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 3 स्पून ऑयल ऐड करना है, रिफाइंड ऑयल हमने ऐड किया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं जिसमें जो एडिबल हो। अब हम इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे।
अब ये गर्म हो चुका है तो हम अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए लहसुन। हमने दो चार कलियों को लहसुन के अच्छी तरह से कट कर लिया है। थोड़ा सा हम कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हम थोड़ा एक कटा हुआ हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। हमने इसे अच्छे से चला लेना है। हमें इसे डीप ब्राउन नहीं करना है, हमें थोड़ा सा फ्राई करना है अपने प्याज को। और इसमें टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे। हमने दो टमाटर का पेस्ट बना लिया था। अच्छे से चला लेना है। हम अब नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अनुसार आप नमक ऐड करें। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड करना है, एकदम थोड़ा सा। हम इसमें एकदम थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करना है, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करना है इसमें, एक से दो चम्मच के लगभग। अच्छी तरह से चला लेंगे। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम इसमें एक चौथाई चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। हम इसमें एक चम्मच छोटा सा चम्मच से हम एक चम्मच कैच मसाला ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर में पकाना है। हम इसमें कुछ कटे हुए गाजर ऐड करेंगे। हम इसे एक से दो मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। अब देखते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें एक गिलास पानी ऐड करना है। अब हमें इसे अच्छे से थोड़ी देर बॉईल होने देना है। देखिए हमारी ग्रेवी अब बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें मंचूरियन डालेंगे। तो हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ी देर ढक देंगे।